नमस्कार। चीन नेपाल के पीछे एकदम चट्टान की तरह खड़ा हो रखा है, यानी सीधा सा कहें कि अगर कोई बाह्य ताकत नेपाल को छेड़ती है तो चीन उसकी सहायता के लिए तुरंत आगे आएगा। चीन नेपाल के ऊपर बहुत पैसा खर्चा कर रहा है नेपाल की परियोजनाओं में, अभी 1 अरब रुपया की घोषणा भी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं कि चीन के क्या स्वार्थ है नेपाल से, क्योंकि बिना स्वार्थ के कोई देश काम नहीं करता। वैसे आपको एक बात बता दूं, मुझे अभी तक चीन के कोई स्वार्थ नेपाल में नजर नहीं आ रहे, और मैं 4 साल से नेपाल पे वीडियो बना ही रहा हूं, लेकिन अभी स्वार्थ नजर नहीं आए मुझे कि चीन के क्या स्वार्थ है नेपाल में, जबकि चीन दबा के पैसा खर्चा कर रहा है। ठीक है, ये एमसीसी का विरोध भी चीन ने ही करवाया। एमसीसी से यदि नेपाल पैसे लेता तो अमेरिकी दबाव तो सहना ही पड़ता, पैसा लोगे आप एमसीसी से तो प्रेशर भी तो सहना पड़ेगा अमेरिका का। तो अब नेपाली जो नेता है, युवा है, उनके दिमाग में चीन ने ये बात डाली कि यदि आप विदेशी एड लेते हो तो आपको उस देश का प्रेशर भी सहना पड़ेगा। तो नेपाली युवाओं ने तब जाके उसका विरोध किया, नेपाली नेताओं ने तब जाके एमसीसी का विरोध किया। सच कहें दोस्तों तो चीन नहीं होता तो आप एमसीसी को रोकने में सफल नहीं होते, यानी एमसीसी को अब तक जो रुका रखा है वो चीन ने रुकवा रखा है। ठीक है, नहीं तो ये बहुत पहले पास हो जाती, 2014 का प्रोजेक्ट है ये। तो हम ढूंढते हैं कि नेपाल में क्या स्वार्थ है चीन के। ठीक है दोस्तों, मैं पिछले 3 साल से कोशिश कर रहा हूं कि चीन के स्वार्थ ढूंढूं कि किस स्वार्थ के कारण चीन नेपाल को इतना पैसा खर्चा कर रहा है नेपाल पे, ये मैं ढूंढ रहा हूं लेकिन अभी तक मुझे नहीं मिला। पहले बात करते हैं कि चीन के पाकिस्तान से क्या स्वार्थ है। देखिए सीधी सी बात है कि पाकिस्तानी सेना का उपयोग चीन भारत के खिलाफ करेगा। ठीक है, एक भारत पर प्रेशर डालने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है चाइना को, दूसरा चाइना पाकिस्तान की 3 सोने की जो खान होती है उनको ले रखा है, यानी अब चीनी वहां से सोना निकालता है। ठीक ना, और एक स्वार्थ क्या है कि तालिबान को पाकिस्तान ला रहा है और अफगानिस्तान में तो मिनरल्स बहुत ज्यादा है, तो $1 ट्रिलियन का खनिज पदार्थ निकालेगा चाइना वहां से, अफगानिस्तान से। ये बात लगभग क्लियर है और पूरी दुनिया की मीडिया में आती है। ठीक है, तो उसका कुछ पैसा पाकिस्तान को जरूर मिलेगा, यानी अगर 1 ट्रिलियन का निकालता है, 1000 बिलियन का निकालता है, 30 बिलियन भी पाकिस्तान को दे देता है तो 3-4 साल का बजट पाकिस्तानी सेना का चल जाएगा। पाकिस्तानी सेना का जो बजट है वो 7 बिलियन है। तो पाकिस्तान से चीन के बहुत स्वार्थ हैं। ठीक है, अब श्रीलंका की बात है तो श्रीलंका से भी स्वार्थ है चीन के। हेमनकोटा जो मेन चोकिंग प्वाइंट है वहां पर अपने जहाजों को बिठा देना, ठीक है, यानी मेन जरूरी जो हिंद महासागर की एक जगह है जो जहां से चाइना का सप्लाई रूट है, वहां पे अपने सप्लाई रूट को बचाने के लिए हेमनकोटा चीन को चाहिए था, वो चीन ने 99 साल की लीज पे ले लिया। आप ये समझे वो अब हमेशा के लिए चाइना का ही हो गया, 99 साल केवल एक बोलने की बात है। ठीक है, तो उसकी भी चाइना को जरूरत थी अपनी सप्लाई लाइन बचाने के लिए, और दोस्तों अपनी सप्लाई लाइन बचाने के लिए किसी भी देश को अपनी रक्षा का अधिकार है, क्योंकि उस पूरे क्षेत्र में भारत बहुत पावरफुल है, भारतीय नेवी बहुत ताकतवर है, और श्रीलंका के पीछे डियागो गार्सिया एक द्वीप है, वहां पर अमेरिका का बहुत बड़ा सैन्य अड्डा है, अमेरिका के 35 सैन्य अड्डे हिंद महासागर में, और 1.5 लाख सैनिक तैनात रहते हैं पूरे हिंद महासागर में, यानी अमेरिका भी बहुत पावरफुल है वहां पे। तो चीन की सप्लाई लाइन ये लोग कभी भी काट सकते थे, इसलिए चीन ने हेमनकोटा बंदरगाह लिया। ठीक है, अब कैसे लिया वो आप समझ सकते हैं, श्रीलंका को खूब पैसा देकर, और श्रीलंका इतना ब्याज भरा कि आज वहां खाद्यान्न आर्थिक संकट लगाना पड़ गया, यानी श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा भंडार ही खत्म हो गया और सामान बहुत महंगा हो गया। ठीक है, वो कैसे हो गया, ब्याज देते देते रकम चुकाते चुकाते श्रीलंका बोलते ना औकात से ज्यादा लोन ले लिया चाइना से, उतनी श्रीलंका की कैपेसिटी नहीं थी वो लोन चुकाने की, पर वो जरूरत से ज्यादा ले लिया और अब वो चुका नहीं पाया, इसलिए श्रीलंका में सारे सामान महंगे हो गए। ठीक है, आपातकाल घोषित कर दिया था, खाद्यान्न आपातकाल श्रीलंका की सरकार ने। तो श्रीलंका में हेमनकोटा के चलते या अपने सप्लाई रूट को बचाने के लिए चाइना गया, ठीक, क्योंकि वहां पे इंडियन नेवी बैठती है, सबसे ज्यादा पावरफुल उस एरिया में इंडियन नेवी ही है और फिर अमेरिकन,
तो अब नेपाल से क्या स्वार्थ है? पाकिस्तान के स्वार्थ तो नजर आ गए, श्रीलंका के नजर आ गए, हम दो ही देशों का बात कर रहे हैं, बांग्लादेश का नहीं करेंगे, ठीक है। नेपाल से क्या स्वार्थ है आप गहराई से सोचिए। तो मैंने बहुत सोच लिया, पिछले 3 साल से सोच लिया, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा है। अब नेपाल के एक दो विश्लेषक कह रहे हैं कि चीन नेपाल के यूरेनियम को कब्जा करना चाहता है, नेपाल के विश्लेषक कह रहे हैं, मैं ढूंढ के आपको बता दूंगा, मैंने 4 महीने पहले ही पढ़ लिया था। तो नेपाल के एक दो विश्लेषक कह रहे हैं कि चीन नेपाल के यूरेनियम को कब्जा करना चाहता है। दोस्तों ये भी गलत बात है। और उस वीडियो में उन्होंने तर्क दिया है कि चीन अपने यहां 51 परमाणु रिएक्टर खोलना चाहता है, सॉरी दोस्तों 51 राज्यों में 102 परमाणु रिएक्टर खोलना चाहता है, इसलिए चीन को यूरेनियम की सख्त जरूरत है, ठीक है। और ये बात सही है, चीन ने बताया था कि हम प्रत्येक राज्य में 2 परमाणु रिएक्टर खोलेंगे। चीन जो है 10वें स्थान पर है यूरेनियम प्रोडक्शन में, भारत 13वें स्थान पर है, फिर भी इन दोनों देशों के पास यूरेनियम पूरा नहीं है, भारत को भी खरीदना पड़ता है और चाइना को भी खरीदना पड़ता है, ठीक है। नेपाल यदि यूरेनियम निकालेगा अपना, अपने बल पे अपना यूरेनियम, तो नेपाल के पास बहुत यूरेनियम हो जाएगा, उतनी यूरेनियम की जरूरत नहीं है नेपाल के पास में, ठीक है। नेपाल तब यूरेनियम से भी बिजली बना सकता है, पानी की क्षमता भी है, और छक्के पैसा हो जाएगा, छक्के बिजली बना देंगे, लगभग आप समझ लीजिए नेपाल की अपनी कैपेसिटी जो होगी वो 70-80 हजार मेगावाट होगी, ठीक है, बिजली बनाने की हाइड्रो पावर के द्वारा, और यूरेनियम से भी बनती है बिजली, तो कह सकते हैं नेपाल बना सकता है बिजली अगर दोनों चीजें हो जाए। लेकिन ये तो भविष्य की बातें, कब होगा क्या होगा वो तो लंबी बातें हो गई। तो यूरेनियम की जरूरत चाइना को है, बिल्कुल है, तो उसकी नजर नेपाल के यूरेनियम पे है कि नहीं है? अब मैं इस चीज को पिछले 3 साल से ढूंढ रहा हूं। आपने मेरे पुराने चैनल पर यूरेनियम पे 2-3 वीडियो देखी होगी, हम यूरेनियम पे पिछले 3 साल से ही वीडियो बना रहे, मुस्तांग में जो मिला था 10 किलोमीटर एरिया में, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान चैनल पर भी बनाए थे 2017 में जनवरी में, 2000 फरवरी में वो चैनल हैक हो गया था, ठीक है, क्योंकि उस समय हम जानते नहीं थे कि हैकिंग से कैसे बचाना है। तो मैं पिछले 3 साल से पॉइंट ढूंढ रहा हूं, नेपाल की मीडिया खूब चेक कर रहा हूं, दुनिया की मीडिया चेक कर रहा हूं कि कहीं पर एक बार समाचार आ जाए कि चीन की नजर नेपाल के यूरेनियम पे है। और अगर ऐसा हो जाता दोस्तों तो हम खूब हल्ला मचाते और आपको बताते देखो चीन की नजर आपके यूरेनियम पे। क्यों मचाते? क्योंकि आप जानते हैं हम चाइना भारत का दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, तो हम जरूर बताते आपको। लेकिन दोस्तों अब झूठ बोलना नहीं ना होता है, झूठ कैसे बोल देंगे, सबूत तो चाहिए, प्रूफ तो चाहिए कि चीन नेपाल के यूरेनियम पे नजर डाल रहा है। तो मुझे पिछले 3 साल से कहीं सबूत ही नहीं मिला, मैंने खूब छानबीन की। देखिए हम कभी नहीं चाहते कि नेपाल चाइना की तरफ जाए, ये सच बात है। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि भविष्य में सभ्यताओं की लड़ाई होने वाली है, चालू हो चुकी है, हिंदू सभ्यता उधर ईसाइयों की अलग है, क्रिश्चियन मुस्लिम लोगों की अलग है, सभ्यताओं की लड़ाई हो रही है दुनिया में। तो भारत कैसे चालेगा? भारत के हिंदू की 3 करोड़ लगभग नेपाली लोग हमारी सभ्यता को छोड़ दें और दूसरे देश का सपोर्ट करें, 3 करोड़ गोरखा योद्धा हिंदुओं से अलग हो जाएंगे तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? सभ्यताओं की लड़ाई है भविष्य में। तो हम कभी नहीं चाहते कि नेपाल चाइना की तरफ जाए, क्योंकि वो धर्म ही नहीं मानता है, ठीक है। तो हर भारतीय यूट्यूबर चाइना का विरोध करता है, और नेपाल पे जो भारतीय यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं वो भी चाइना का विरोध नहीं करते हैं, करना चाहते हैं पर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि नेपाल में जो चाइना का विरोध करेगा उसका चैनल नहीं चलने वाला, ठीक ना। लेकिन दोस्तों मुझे डर नहीं होता है, मेरा चैनल जाते रहते हैं, आते रहते हैं, खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, ठीक है। तो मैं पॉइंट ढूंढता हूं कि चीन का गलती दिखाऊं नेपाल को, नेपाल में गलती, बाहर तो बहुत गलतियां हैं चीन की, वो नहीं दिखाते हैं, उसको दिखा के कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप लोग नहीं देखेंगे। लेकिन नेपाल में चीन गलती करे तो हम पॉइंट ढूंढते हैं, क्योंकि भारत का दुश्मन है चीन, और हम कोई भी आदमी देशभक्त होता है, हमारा देश गलत है, सही है, बुरा है, खराब है, पैसे वाला है, गरीब है तो हमारा देश, हम अपने ही देश का सपोर्ट करेंगे, जो भारत का दुश्मन होगा उसका विरोध जरूर करेंगे, चाहे भारत का दुश्मन सही हो चाहे गलत हो, ठीक है। और देशभक्त होना ही चाहिए, जो आदमी देशभक्त नहीं है फिर तो वो इंसान ही नहीं है, ईश्वर से पहले देशभक्ति, ईश्वर बाद में। तो मैं चाह रहा था कि चीन के ऐसे पॉइंट ढूंढूं
कि जो पता लगे कि चीन की नजर नेपाल के यूरेनियम पर है। लेकिन दोस्तों पिछले 3 साल से मुझे ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं मिला। मैंने सब छान लिया कि कोई तो बोले कम से कम। अब वो नेपाल की मीडिया में जो बोलते हैं उनको आप भारतीय दलाल कहते हैं, इसलिए उनको नहीं बताता हूं मैं, क्योंकि उनको तो आप भारतीय दलाल पहले से कहते हैं। तो दोस्तों फिलहाल तो चीन का नेपाल में कुछ स्वार्थ है ये मुझे दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, व्यापारिक स्वार्थ तो सबके होते हैं, ऐसी बात नहीं है, भारत के भी हैं, चीन के भी हैं, नेपाल से सामान सभी बेचना चाहते हैं। लेकिन जितना पैसा चीन खर्चा कर रहा है तो वो कुछ बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा है और चीन का स्वार्थ भी नहीं दिख रहा है। तो चीन क्यों पैसा ये खर्चा कर रहा है? हाँ, एक स्वार्थ ये जरूर दिख रहा है कि चीन ने अभी कुछ, मैंने पहले कहा था कि अगर भारत चाइना की लड़ाई होगी तो भारतीय सेनाओं को नेपाली सेनाओं से भी टकराना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। चीन ने ये बात क्यों कही? आप लोगों ने इस पर कोई बात ही नहीं उठाई। तो कहीं भविष्य में चीन नेपाल का उपयोग भारत के खिलाफ ना करने लग जाए, मतलब नेपाली सेना का उपयोग। फिलहाल नेपाल हिंदुओं का देश है, बौद्धों का देश है, ठीक है, जो कि आसानी से भारत के खिलाफ यूज नहीं होगी। नेपाल की जो जनता है वो नहीं करने देंगे, क्योंकि नेपाल में भी बैठ रखे हैं एक से एक आदमी, उनको पता है ना कि अगर हमने यहाँ चीन घुसा दिया तो फिर हमको चीन को बाहर करना मुश्किल हो जाएगा। ये नेपाल जो है अच्छे से समझता है, क्योंकि नेपाल ब्यूरोक्रेसी में 200 साल से है। अंग्रेजों के समय जब वार हुई थी, सुगोली संधि है, तब से नेपाल के जो आदमी हैं वो राजनीति अच्छे से समझते हैं, कूटनीति क्या होती है वो अच्छे से समझते हैं, चीन से ज्यादा समझते हैं। ठीक है, तो नेपाली विश्लेषक जो लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं कि अगर हमने भारत के खिलाफ चीन को यहां घुसेड़ा तो हमारा देश का भी ऐसी तैसी हो जाएगी और फिर चीन यहां से जाएगा भी नहीं। ठीक, तो वो ऐसा भी नहीं करेंगे। जो चीन ने दावा किया था कि हम नेपाली सेना का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करेंगे, तो उसमें भी दोस्तों संशय है, मुश्किल है कि नेपाल अपनी जमीन देगा भारत के खिलाफ चीन को। भले भारत की मीडिया कहती है, लेकिन इसमें वो नहीं है, मुझे यकीन नहीं है। हाँ, प्रधानमंत्री वाली प्रेशर देने के लिए जरूर कहते थे भारत को कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, चीन से मित्रता दिखाते थे। प्रधानमंत्री वाली दल बदलू आदमी थे, 2 महीने इस जगह 2 महीने उस जगह। ठीक है, जो 122 आदमी निकाले थे एक बार जो पकड़े गए थे काठमांडू में, वो प्रधानमंत्री ओली का चीन के ऊपर प्रेशर था, वो आपको गहराई से पता नहीं है वो बात। नेपाल में चीन के बहुत आदमी हैं, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री ओली ने जानबूझ के उनकी खोज करवाई और बाहर निकलवाए, वो था चीन के ऊपर प्रेशर। लेकिन फिर थोड़े समन सही हुए तो फिर प्रधानमंत्री ओली चुप हो गए। अभी देवा ने क्या प्रेशर दिया, एक फैक्ट्री, चलिए छोड़ दीजिए, इस पर बात नहीं करेंगे। तो फिलहाल हमें कोई स्वार्थ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इस पर हम छानबीन करेंगे और चीन का कोई स्वार्थ नजर आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि हमने बताया कि हम आपको सच बताएंगे। रही भारत के स्वार्थ की बात, तो इस पर हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।